हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम मटरा कुलचा बनाएंगे। ये दिल्ली का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और ये सभी को बहुत पसंद आता है, और आप इसे घर पर भी बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए मटरा कुलचा बनाना शुरू करते हैं। मटरा कुलचा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मटरे को रात भर पानी में भिगो करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ये मटरा डालेंगे, और अब हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने मटर में 4 कप पानी डाल दिया है। तो अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और ये 1/4 छोटी चम्मच सोडा डाल देंगे। सोडे से मटर बहुत अच्छी तरह बॉईल हो जाता है और मटर को बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और कुकर में 1 सीटी आने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुकर में सीटी आ गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और कुकर में 5 सीटी और आने देंगे। तो यहाँ 5-6 सीटी आ गई हैं, कुकर का प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मटर अच्छे से बॉईल हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ मैंने एक बोल में मटर को अलग निकाल लिया है। तो अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे, और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच इमली का पानी डालेंगे, और अब हम लास्ट में 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा मटर बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मटर को सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ी सी कटी हुई बारीक प्याज डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और ये थोड़ा सा धनिया डाल के इसकी और गार्निशिंग कर देंगे। तो ये हमारा मटर बनकर तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ मैंने 2 कुलचे ले लिए हैं, ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे। तो मैंने यह तवा ले लिया है, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यह तवा गर्म हो गया है। अब हम 1 छोटी चम्मच घी लेंगे और तवे पे इसे इस तरह स्प्रेड करेंगे। तो अब हम कुलचा लेंगे और इसे घी पर इस तरह रखेंगे, गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से सेकेंगे। कुलचे को फ्लिप कर देंगे और इसे दूसरी साइड से भी इस तरह सेकेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुलचा दोनों साइड से अच्छे से सेक गया है। तो अब हम इसे 1 प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो अब हम सेम प्रोसेस से दूसरे कुलचे को भी इसी तरह सेक लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दूसरे कुलचे को भी अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसे भी 1 प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेम्पटिंग मटरा कुलचा बनकर तैयार हैं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।